155 और इसके अंदर मॉडिफिकेशन तो आपको दिखाऊंगा ये एग्जॉस्ट की साउंड सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट की साउंड सुनाऊंगा कि कौन कौन से एग्जॉस्ट इसके अंदर लगने वाले हैं। आपको अंडरटेल जो कि लाइट वाली है, अभी करता हूँ इसके इंडिकेटर बंद, देखो ये देखिए चाबी ऑन करते ही ये होता है रेड और मैं भी हैंड ग्रिप से ये भी इसके रिस्टोर कर देंगे जो राइड करने में काफ़ी। कार्बन एम लॉन्ग फुल कार्बन के अंदर इसकी भी सुनते हैं साउंड कि किस तरीके से आने वाली है पहले। अब इसके अंदर लगा दी गई है, अब सुनाते हैं इसकी साउंड कि किस तरीके से इसकी आने वाली है। R1M लॉन्ग जो कि मिलता है आपको विद डीपी कलर, काफी अच्छी साउंड है इसकी। और अब देखते हैं कोई और नेक्स्ट उसकी सुनाते हैं। ये आ रही है इसकी ऑसम साउंड। भैया आपको पसंद है वाली साउंड? ये साउंड भी पसंद, देख रहे हो शॉर्ट कैन ये देख सकते हो। तो डरा रहा है, सुनाते हैं एक्रापोविक का बेसिक जो कि कार्बन का है, एक कार्बन कलर के अंदर, इसकी भी सुनाते साउंड कैसी आती है। अब लेकर आ चुके हैं R1M बिना डीपी कलर वाला, इसकी भी सुनते हैं साउंड कैसे आने वाली है इसके अंदर। और ये शॉर्ट वाला है, लॉन्ग वाला नहीं है। साउंड तो सबकी अच्छी है, बाकी नेक्स्ट सुनते हैं एक और। लगा चुके हैं इसके अंदर लिवेंसी का जो कि मिलता है आपको पूरा टाइटेनियम के अंदर, इसकी भी सुनते हैं साउंड कैसे आने वाली है। साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है वैसे इसके अंदर जो कि आपने सुनी। और अभी एक आध और सुनाए थे आपको साउंड, फिर एट द एंड देख रहे हैं भैया कौन सा पसंद आता है और कौन सा नहीं आता है। लेकिन उससे पहले निकल चुका है ऑस्टिन रेसिंग जो कि मिलता है आपको सुपर बाइक वाले दिन। निकल चुका है ऑस्टिन रेसिंग, मेरे को भगाने में लगा पड़ा वीडियो में, वीडियो बना रहा हूँ और ये रेस दे के मुझे भगा रहा दूर दूर। चुका है वर्ल्ड फेमस R9, क्या कहते हो जी, सब अच्छे लगे भैया को? तो भैया को सब अच्छे लगे, एक तो ये अच्छा था। चलो जी अब देखते हैं कि भैया फाइनली कौन सा लगवाते हैं इसके अंदर, उसे फिट करते हैं जो भैया कहते हैं, फिर उसके बाद फिट करने के बाद ना आपको दिखाएंगे सर बाकी मॉडिफिकेशन जैसे कि इसके अंदर शॉक ऑब्जर्वर और लीवर, हैंड ग्रिप, बोबो का मोबाइल होल्डर और भी बहुत सारी चीज़ें, अंडरटेल वगैरह, इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगा रखी है हमने और कुछ अभी लगनी बाकी है। तो करते हैं कम्प्लीट फिर सुनाते हैं आपको साउंड ऑलमोस्ट के भैया ने कौन सा बना जिसकी, और उसके बाद आपको मिलती है इसकी पूरी मॉडिफिकेशन जो कि चैनल बने रहने के लिए पता नहीं क्या करना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया इसके अंदर एग्जॉस्ट की साउंड आप लोगों ने सुनी लोगी, इसके अंदर एग्जॉस्ट की साउंड जो कि मैंने सुनाई इसके अंदर, फुल सिस्टम इसके अंदर लगा दिया गया है। फुल सिस्टम लगाने के बाद कैसी साउंड आ रही है आपको जो पसंद हो कमेंट करें मुझे ज़रूर बताना क्या सो कैसे लगी। और जो इसके अंदर हमने लगाया फाइनली उसकी सुनाऊंगा मैं आपको एंड में, पहले डिटेल बता दूं इसके अंदर हमने क्या क्या किया हुआ है इसके अंदर अभी के सिनेरियो के अंदर। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ये RCB के लीवर हैं जो कि इसके रिस्टोर्ट कर दिए गए हैं। ये होते हैं आपके प्रॉपर फिटमेंट वाले, एडजस्टिंग होती है इसके अंदर, अपने अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे मर्जी। देख रहे हो आप, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है और सेम इधर सेम देख लो आपको इस तरफ दोनों तरफ मिलेगा, सेम एडजस्टमेंट इधर भी मिलेगी आपको दोनों तरफ। जैसे कि आपको पता है ये RCB ओरिजिनल होता है और इधर मिलेंगे आपको RCB का ओरिजिनल हैंड ग्रिप्स, ये देख सकते हो आप RCB और हैंड ग्रिप्स है, ये भी इसके रिस्टोर कर दिए गए हैं जो राइड करने में काफ़ी कंफर्टेबल राइड होने वाली है इसे लगाने के बाद। सेम इधर और ये कलर आपका जो कम्बिनेशन है ब्लैक एंड रेड का दिया गया है, आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी कलर आप ले सकते हो, सारे कलर अवेलेबल हैं। उसी तरह लीवर की बात करी जाए तो लीवर में हमारे पास बाकी सारे कलर अवेलेबल है, कोई भी कलर चाहिए सारे कलर आपको हमारे पास मिल जाएंगे। इधर आपको देखने मिलेगा बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है आपको ओरिजिनल बोबो का, जिसमें आपको मिलते हैं नॉन चार्जिंग, आप चाहो तो इसे चार्जिंग ले सकते हो, वायरलेस ले सकते हो, वाटर प्रूफ ले सकते हो और जैसे मर्जी इसके अंदर आप हमसे ले सकते हो। हर चीज़ की वैरायटी हमारे पास इसके अंदर, हर तरह की वैरायटी इसके अंदर आपको
मिल जाएगी हमारे पास बोबो के अंदर, और आप चाहो नॉर्मल तो नॉर्मल भी मिल जाता है। इधर इसमें लगा देगा स्क्रीन गार्ड, लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, वैसे पता लग रहा होगा स्क्रीन गार्ड लगा नहीं लगा, जिससे आपकी स्क्रीन जो है प्रोटेक्ट, क्योंकि अगर इसमें कुछ स्क्रैच वगैरह लगता है तो पूरा मीटर चेंज होता है, ना कि इसके अंदर आपको सी ग्लास चेंज होने वाला है, पूरा मीटर चेंज होता है। इसके इसमें आपका ये लगा दिया गया, और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं कैलिबर, ये RCB का कैलिबर ओरिजिनल, जो कि रेड है तो रेड ही लगा देगा इसके कैलिबर, जिससे लुक भी इनहेंस होती है, और साथ में ना इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं इसे लगाने के बाद। और जल्दी इसके अंदर इसका पार्ट रूम लाएंगे, जिसके अंदर डिस्प्ले वगैरह और मोनोशॉक्स वगैरह जो डालेंगे इसी के अंदर। वैसे आपने देखी थी हमारे लास्ट वीडियोज़ के अंदर, जिसमें हमने ये सब कुछ लगा रखा है टोटल ऑल अबाउट। ना देखी हो किसी को देखनी हो चैनल में जाके चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको एरोक्स की पूरी RCB की किट, जो कि इसके अंदर लगाई थी हमने, तो ये आपको मिला रेड कलर। कलर की कोई टेंशन नहीं है, कलर में आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, सारे कलर आपको हमारे पास मिल जाते हैं इजीली। इधर आपको मिलता है एरोक्स की ब्रांडिंग, देख सकते हो एरोक्स 155, ये इसके ग्राफिक है जो बना दी गई है कंप्यूटराइज, जिससे लुक काफ़ी एनहेंस हो जाती है लगने के बाद। सेम इधर सेम देखने आपको इस तरफ, और इसके बाद आपको दिखाता हूँ ये इसके फुटमैट, जो कि रेड कलर के हैं, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। फुटमैट लगाने के बाद क्या होता है, क्योंकि एक तो लुक तो एनहेंस हो जाता, साथ में जो नीचे फर्श होता ना इसका, वो भी आपको होता है सेफ लुक के साथ साथ ही। साथ में इधर देखने मिलेगा आपको टैंक पैड, जो कि मिलता है आपको कार्बन और रेड की मैचिंग के साथ, यामा का लोगो इसके अंदर आपको मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा कलर की टेंशन किसमें भी कोई नहीं है, कलर इसके अंदर अपने पास बहुत सारे मिल जाते हैं। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको बैक साइड के अंदर, जो कि मिलेंगे आपको RCB के ओरिजिनल शॉक ऑब्जर्वर। देखिए ये है आपके RCB के ओरिजिनल शॉक ऑब्जर्वर, जो कि इसमें लगा दिए गए हैं, जिससे जंपिंग में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा आवाज़ करती है गड्ढे में जाकर। जैसे आपको पता है एरोक्स के अंदर शॉकर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि इसके अंदर सॉल्व कर दी गई है। सेम इधर लोग इस तरफ देखो, और जब भी आप देखना ये देख लें RCB का लोगो जरूर देख लें, वरना मार्केट में लोकल डुप्लीकेट बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शॉकर पूरी तरीके से वर्क नहीं करते हैं, और ये आपको RCB के जो ये पूरे वर्क भी करते हैं, और इसमें कोई कंप्लेंट भी नहीं है। और उसके बाद आपको मिलेंगे इसका बैक साइड में इंडिकेटर, ये देखिए बैक साइड में इंडिकेटर लगा दिए गए इसके अंदर, जो कि मिलता है आपको यामा के ओरिजिनल फिटमेंट के साथ है। ये आप देख सकते हो लेंस वाले हैं, जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए, कोई जुगाड़ नहीं है, सिंपली इजी टू फिटमेंट, देख सकते हो आप ये पूरी फिटमेंट है इसकी, जो कि मिल जाती है यामा RN5 वाली, और यामा किसी मॉडल के अंदर आपके इजीली लग जाते हैं। इधर मिलती है आपको अंडरटेल, जो कि लाइट वाली है। अभी करता हूँ इसके इंडिकेटर बंद, देखो ये देखिए चाबी ऑन करते ही ये होता है रेड, और मल्टी कलर इसके अंदर है, और इसके अंदर बटन भी दिया हुआ, आप चाहो तो उससे आप मल्टी कलर कोई भी चेंज कर सकते हो, रोक भी सकते हो, देख रहे हो आप अलग अलग कलर चेंजेस आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। और अब जलाते हैं इंडिकेटर, ये देखिए इंडिकेटर लाएंगे तो आपका इंडिकेटर से आपका रनिंग आपका हो जाएगा, जो कि आपको मिलता है इंडिकेटर के मैचिंग के साथ। सेम इधर सेम आपको मिलेगा इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है इसकी लगने के बाद। और यहाँ पर आकर अब दिखाते हैं आपको दूसरी चीज़, जो कि सबसे मेन है, ये तो हो गई इस बाइक की मॉडिफिकेशन, नहीं अभी रह गई है, दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर इसमें मड फ्लैप भी लगा दिया है, देख रहे हो ये आपको मिलता है मड फ्लैप, जो कि रेड कलर का है, कलर की इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए कलर इसमें हमारे पास बहुत सारे मिल जाते हैं, चाहे आप ब्लू ले लो, चाहे आप रेड ले लो, और चाहे आप ले लो ग्रे, देख सकते हो आप कलर का मुझे टेंशन कोई नहीं है, सारे कलर अपने पास इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि आपने रेड इसमें देख ही ले लगा हुआ, जो कि ये वाला इसके अंदर लगा हुआ है, ये भी आपको हमारे पास मिल जाता है इजीली। और अब इसके बाद दिखाता हूँ उसके अंदर, वैसे आपको पता है कि इसी ना और भी बहुत सारे आइटम हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कार्बन ही देखिए नोज़ मिल जाएगी आपको कार्बन, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, नोज़ मिल जाएगी आपको कार्बन, ये एग्जॉस्ट कवर मिल जाएगा, टैंक ढक्कन मिल जाएगा, एग्जॉस्ट स्लाइडर, ये आपका साइलेंसर कवर, इधर आप देख सकते हैं ये आपका फिल्टर कवर, तो बहुत सारी इसके अंदर एक्सेसरीज है जो आपको कार्बन के अंदर आपको हमारे पास मिल जाती है। और अब सुनाता हूँ आपको एग्जॉस्ट, जो कि इसमें लगा है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, पहले बैंड पम्प चेक कर लो, ये फुल सिस्टम बैंड पम्प जो लगा देगा इसके अंदर। और अब सुनाता हूँ आपको इस एग्जॉस्ट की साउंड, जो कि इसमें लगा है R9 का, इसकी साउंड को कैसी आती है लगने के बाद, थ्रोटल ऑन करके आपको दिखाता हूँ कैसी साउंड आती है इसकी थ्रोटल पर। काफ़ी अच्छी साउंड मिल जाती है आपको इसके अंदर, जो कि इसमें लगा रखा है। और जैसे ही एरोक्स है ना, ऐसे एक और एरोक्स यहाँ पर खड़ी है, इसकी वीडियो मैं दिखाऊंगा वैसे अलग से, बाकी थोड़ा सा मैं आपको लुक चेकआउट करूँ कैसी आती है इसकी लुक जो हमने करी है इसके अंदर। ये देखिए दिख रही है आपको, हेडलाइट देखो इसकी, विंगलेट देखो, सब कुछ इसके अंदर ऑल अबाउट मॉडिफिकेट किया हुआ है, टॉप बॉक्स सब लग रहा है इसके अंदर। इसकी वीडियो मिलेगी आपको अलग से, इसके अंदर पूरा नहीं दिखाऊंगा कि क्या क्या लगाया है, फाइनली बहुत कुछ लोडेड है इसके अंदर, और Part 1 Part 2 Part 3 इसका बनता रहता है हमेशा। आज जो दिखाऊंगा Part 3 दिखाऊंगा इसका मैं आपको, तो अगर जिसको देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब
शेयर कर लें राजू भाई एचकेडी, तो मिलेगा यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर भी। तो चलो इसकी जब मॉडलिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अब बुला लो फाइनली भैया को कि भैया को कैसा लगा। आइए भैया, कैसे हैं, नाम क्या है, कहाँ से हैं ये बताइए। हेलो, मेरा नाम नीतीश है और मैं आया हूँ द्वारका से। और ये एक बार नहीं, यहाँ पे कितनी बार, हर बार आती है यही। जब भी कोई काम होता है भैया, जब भी कोई काम होता है मैं यहीं पे ही आता हूँ। और भाई का बिहेवियर तो ऐसा है, अपना वन फील होता है एकदम ही, ऐसा लगता है अपने ही मतलब भाई है। भाई, और भाई, क्या भाई भाई है, भाई लगते हैं भाई ही हैं, इसको दोहराया ही नहीं है इसके अंदर भाई। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई जब भी आओ सीधे राजू भाई एसकेडी पे आओ, असली राजू भाई यही है एसकेडी। ये आज से नहीं, मतलब यहाँ पहले से, मैं बहुत पहले अप्रीला भी थी हमारे पास, वो भी यही होती थी, पर बाकी तो आपको पता ही है मार्केट में हमने चेक कर लिया है। तो ऑल ओवर साइड इज बैठे काम से एक नंबर। कोई आना चाहिए हमारे भाई, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी उसकी? रिकमेंड क्या, आओ भाई काम कराओ यहीं पे ही, यहाँ बैठो आराम से, जो आपको कराना है यहीं पे आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर आपका आने के लिए। तो ये थे भैया इस बाइक के ऑनर, जिन्होंने अपनी स्कूटी की मॉडिफिकेशन करा ली है, ऑल अबाउट हो चुके हैं। आगे भी इसका जो जो कराएंगे भैया तो सारा आपको देखने मिलेगा इसका भी, क्योंकि आपको पता ये एक एरोक्स एक ऐसी स्कूटर है ना कि इसके अंदर एक काम दो काम से कुछ नहीं होता, इसमें जितना मर्जी बंदा काम करा ले वो मजबूर होता है कि आगे नई वीडियो देख करके यार अब मुझे कुछ चेंज कराना चाहिए। तो जब भी आते हैं कुछ नया इसमें मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ आपको भी नया देखने मिलेगा। तो अगर देखना तो आपको पता नहीं करना क्या, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर राजू भाई एचकेडी को, जो कि मिलता है यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो बाकी इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जश्न, गुड बाय।